मलेरकोटला की पुलिस क्यों नहीं सोचती, इस एंगल से वो क्यों नहीं सोचती, जब आपने वहां दो सुरक्षाकर्मी लगाए हुए हैं, तो एक महिला लगाई हुई है, पुरुष लगाए हुए, दिन में भी रहते हैं रात को भी रहते हैं, तो वो किस आधार पर सचिन को बाइक के ऊपर बच्चों को बैठने की इजाजत देते हैं, किस आधार पर वो गाड़ी में बच्चों को लेके जाता है और रघुपुरा से उन बच्चों को लेना और उन बच्चों को सरकार अपनी कस्टडी में ले, ये सबसे पहला कदम होना चाहिए सरकार का। बच्चे किसी भी रूप में रघुपुरा के अंदर, खासकर सचिन के पास बच्चे सुरक्षित नहीं है, जहां मैं अब महसूस कर रहा हूं, और मैंने कार्रवाई की हुई है। इस हफ्ते में आप सभी को बता दूंगा कि मैंने कौन सी बड़ी कार्रवाई की हुई है और कौन सी बड़ी कार्रवाई बच्चों के बारे में हो चुकी है, क्योंकि सचिन जो है बहुत बड़ी लापरवाही का शिकार है। उसको ये अकल ही नहीं है कि इन बच्चों को बाइक पर लेके जा रहे हो, कहीं को कोई अनहोनी ना हो जाए, उन बच्चों को इन गाड़ियों में लेके जा रहे हो कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई समझ ही नहीं है उनको। और सीमा हैदर तो अपने अंधे रिलेशन में, सीमा हैदर तो अपने इलीगल रिलेशन में बिल्कुल अंधी हो चुकी है। उसको नाच गाने और डांस और सोशल मीडिया और यूट्यूब के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, न इन बच्चों की सुरक्षा दिखाई दे रही, न इन बच्चों का भविष्य दिखाई दे रहा, न इन बच्चों की पढ़ाई दिखाई दे रही। और तो और कई दिन पहले एक बेटी की तस्वीर सामने आई थी, वो ऐसी बुझी बुझी दिखाई दे रही थी, ऐसी बीमार बीमार दिखाई दे रही थी, ना उनके स्वास्थ्य की इसको चिंता, इसको कोई चिंता नहीं, बस यूट्यूब में फिल्म बना ली, है कर दिया, मैं कर दिया, उसको बिठा लिया, उसकी मजाक उड़ा ली, उसकी यूट्यूब पे लगा दी, इधर डांस कर लिया, यही है। बच्चों की परवाह कहाँ है इसको? एक माँ को बच्चे की जो परवाह होनी चाहिए वो इसको है? कोई परवाह नहीं इसको। तो बच्चों को इसके पास छोड़ना एक बहुत बड़ी मुसीबत को दावत देना है, और बच्चों की जिंदगी सीमा हैदर के पास बहुत बड़े खतरे में है। बच्चों को खुद सीमा से बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये सन की माइंड है। आने वाले टाइम में जो इसके ऊपर शिकंजे कसा जा रहा है, उससे तंग आकर के ये अपना नुकसान कर सकती है, अपने साथ साथ ये बच्चों का भी नुकसान कर सकती है, और इसका जो जहनी संतुलन है वो लेवल पे नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए प्रशासन को, जो रघुपुरा का प्रशासन है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो वहां के तहसीलदार है, जो SDM है, उनको उन बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार को उन बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। जिस प्रकार सचिन लापरवाही का परिचय दे रहा है, बाइक पे बिठा करके उनको पूरी स्पीड से चलाता है, अगर वो गाड़ी वो बाइक उससे अनकंट्रोल हो जाए और बच्चे का सिर कहीं दीवार में लग जाए, कहीं सड़क में लग जाए, तो बच्चा की जिंदगी खराब हो जाएगी, वो बच नहीं पाएगा बच्चा। उन हालात में हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी कि भारत में ये बच्चे चले गए थे और ये भारत में बच्चे सुरक्षित नहीं रह सके। ये भारत की रेपुटेशन का भी सवाल है, ये भारत की इज्जत का भी सवाल है, ये भारत की बच्चों के प्रति दी गई सुरक्षा का भी सवाल है। तो आपको सोचना चाहिए, आपको समझना चाहिए। और मैंने तो कदम उठाया, मैंने तो बहुत बड़ा कदम उठा रखा है इस बारे में, और बहुत टाइम पहले उठा रखा है, और उसका रिजल्ट भी मुझे मिल गया है। इस हफ्ते में आपको बच्चों के हवाले से मैं वो बड़ी खबर दूंगा कि ये खून के आंसू रोएगी और आप सब खुश हो जाओगे। मैंने अपना कार्य कर चुका, मैं किसी का डंडा लेके सिर नहीं फोड़ सकता, मैं कानूनी तरीके से अपनी बात को कोर्ट के सामने रख सकता हूं और भारत के कानून को दिखा सकता हूं कि भारत का कानून ये कहता है, और ऑनरेबल कोर्ट से ऑर्डर जारी करवा सकता हूं, और वही मैं कर रहा हूं।
उनको इम्प्लीमेंट करना वो प्रशासन का काम है। अगर प्रशासन इम्प्लीमेंट नहीं करता तो 6 महीने की जेल कराना मेरा काम है। अब ये ऑर्डर आ गया ना मेरे पास, ये मैं दूंगा प्रशासन को, और प्रशासन इस पे लापरवाही करके दिखाओ, बाय नेम दूंगा। जो व्यक्ति प्रशासन का इन ऑर्डर्स को वायलेट करेगा, कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मानेगा, उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो 6 महीने की कैद कराऊंगा, ये मैं आपको कह रहा हूं पहले। और YouTube के वो अधिकारी, जो YouTube के बड़े अधिकारी हैं, जो YouTube को भारत में देखते हैं, इन ऑर्डर्स को उनको पूछा जाएगा, अगर वो भी वायलेशन करते हैं तो YouTube के बड़े अधिकारी को भी 6 महीने की जेल कराऊंगा। सीमा अगर का तो होगा जो कुछ होगा, लेकिन उनके साथ यूट्यूब के बड़े अधिकारियों का भी होगा। बेशक मेरा ये चैनल आज ही उठा देना, परवाह नहीं है मुझे, मेरे लिए मेरे भारत का कानून सबसे पहले है, मेरे लिए मेरे भारत का न्यायालय सबसे पहले है, जिसने ऑर्डर पास किए हैं। मैं नमन करता हूं भारत के न्यायालय को, जिसने इतना अच्छा ऑर्डर पास किया है। तो दोस्तों, हमें ये ऑर्डर मिल चुके हैं, और हमने इसके साथ साथ उन ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए सभी अधिकारियों को बाकायदा एप्लीकेशंस भी तैयार कर दिए हैं। इन एप्लीकेशंस के साथ ये ऑर्डर लग के जाएंगे, और हमने एप्लीकेशंस में सारी बात बताई है कि माननीय न्यायालय ने इस प्रकार रोक लगा दी है, और अब ये ऐसा नहीं कर सकती, और यूट्यूब अब इसको पैसे भी नहीं देगा। यूट्यूब से जो इसकी कमाई थी वो कोई क्लेम नहीं कर सकती, ये रोक लगा दी है न्यायालय ने, इसको यूट्यूब अब पैसा नहीं देगी, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये रोक लग चुकी है। क्लेम का मतलब है जो यूट्यूब पे आप लगा रहे हो, क्लेम जो सर्विस ये प्रोवाइड करा रहे हैं, इसका ये मतलब है। तो ये बहुत बड़ी जीत है, इसको पैसे नहीं मिलेंगे, कोई गलत वीडियो बना के नहीं डाल सकती, वीडियो पब्लिश नहीं कर सकती, करती है तो हर जितनी बार गलती करेगी उतनी बार इसके खिलाफ जो है कंटेंप्ट पिटीशन डलेगी, सेक्शन 3 की सब सेक्शन ए और 2 में 1971 के तहत, और 6 महीने की सजा होगी इसको। तो अब के बाद जो 2 तारीख को ये ऑर्डर पास हुआ और वो नेट पे आ गया था, 2 तारीख के बाद जितनी भी इसने वीडियो बनाई है, चाहे वो सचिन ने बनाई है, चाहे सीमा ने बनाई है, चाहे इसके परिवार के लोगों ने मजाक उड़ाया है, तो वो सारी वीडियो हमारे पास रिकॉर्डेड है। उनको जैसे ही हम इसको ऑर्डर्स को दे देंगे, उनके इनके खिलाफ पहली और दूसरी जब जब अलग अलग दिन पे अलग अलग समय पे इन्होंने मजाक उड़ाया है, कोर्ट के ऑर्डर्स का वायलेट किया है, तो वो कंटेम्प्ट पिटीशन हम फाइल करेंगे। हम बताएंगे माननीय न्यायालय को कि ऑर्डर पास होने के बाद भी ये देखिए इनका क्या हाल है, घर से ही खसीट के लाएगी पुलिस गिरफ्तार पकड़ के, और कंटेम्प्ट की 6 महीने की सजा में जमानत का कोई प्रोविजन नहीं है। कंटेम्प्ट में सीधे 6 महीने के बाद जेल से बाहर आ जाता है। अब बात करते हैं गुलाम हैदर के वीजे की। तो गुलाम हैदर के वीजे की सारी फॉर्मेलिटीज हमने पूरी कर दी है, उसने भी पूरी कर दी है, और अगस्त के लास्ट तक 24 अगस्त तक गुलाम हैदर की डेट है, तारीख है, सितंबर में भी है, अगस्त में भी है। तो अगर हम उसे अभी बुलाते हैं तो हमारे पास 20 दिन जुलाई के बचे हुए हैं, अगस्त का सारा महीना 20 दिन बचा हुआ है, तो उसको 30 दिन का या 60 दिन का वीजा मिलेगा। तो अगर हम उसको अभी बुला लेते हैं तो सारा पीरियड उसका लैप्स हो जाएगा, इसलिए हम उसको अगस्त के महीने में बुलाएंगे वीजा लगने के बाद भी, ताकि वो कोर्ट में आके अपनी बात को रख सके। जो फैमिली कोर्ट में हमने इनकी मैरिज को चैलेंज किया था, और एपी सिंह और सीमा और सचिन के खिलाफ जो हमने मानहानी के केस किए, जो क्रिमिनल केस किए, उन सब के अंदर वो एक साथ आगे पीछे वो डेट लगी हुई है, उन सब में एक साथ वो गवाही दे देगी। तो अगस्त के लास्ट तक जो है हम गुलाम हैदर को भारत में ले आएंगे आराम से। जब तक हमारी कोशिश ये रहेगी कि बच्चों के सिलसिले से हम आपको बहुत अच्छी और
नई अपडेट देंगे, जिससे उन बच्चों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी, बच्चों की पढ़ाई भी सुनिश्चित होगी, बच्चों का स्वास्थ्य भी सुनिश्चित होगा और बच्चों की सुरक्षा भी सबसे बड़ी हमारे लिए अहम है, वो सुरक्षित होगी। और जो हमने कोर्ट में केस डाला हुआ है बच्चों की बातचीत कराने के लिए, काफी टाइम पहले डाला हुआ है, वो ये ऑर्डर इंप्लीमेंट होने के बाद उस पर भी अमल किया जाएगा, और जब तक वो भारत में नहीं आता तो गुलाम हैदर के बच्चों से उसकी बात भी कराई जाया करेगी, वो कार्रवाई भी हमने कर रखी है।